दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम इस समय अशोकनगर में हैं और अशोकनगर में बागेश्वर धाम सरकार जी जो हैं वो कथा कर रहे हैं। जो यहाँ पर नवीन गल्ला मंडी है वहाँ पर इस समय कथा आरंभ हो चुकी है। बागेश्वर धाम सरकार प्रथम दिन की कथा आरंभ कर चुके हैं। दोस्तों अशोकनगर में कथा को लेकर काफ़ी दिनों से तैयारियाँ चल रही थी। यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ताल वाले बालाजी, और बड़े ही प्रसिद्ध सिद्ध मंदिर के तौर पर यहाँ पर अशोकनगर वाले लोग उन्हें मानते हैं, वहाँ पर जाते हैं, बड़ी श्रद्धा है। कल हम लोगों ने भी वहाँ पर माथा टेका है। यहाँ पर अशोकनगर में एक बड़ी खुशखबरी यह है कि जो यहाँ के विधायक हैं जो लगातार बोल भी रहे हैं, धाम पर भी वो गए थे बागेश्वर, और वहाँ पर उन्होंने बागेश्वर बालाजी के सामने अर्जी लगाई, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिले, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समक्ष उन्होंने कुछ बात रखी, प्लानिंग रखी, और अब उस प्लानिंग पर आगे काम होता हुआ दिखेगा। हम जहाँ खड़े हैं यहाँ आने वाले भविष्य में 108 फुट ऊंचे हनुमान जी का एक बड़ा विशाल प्रतिमा बन के तैयार होगी। मौजूदा समय में यहाँ पक्का काम तो है, लेकिन चूंकि जो प्लानिंग पहले की गई हो, जो भी चीज़ें हो, बीच तालाब में हम इस समय खड़े हैं। अशोकनगर का यह तालाब है और बड़ा प्रसिद्ध तालाब है। पहले भी चूंकि एक ही तालाब है तो पहले भी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, घूमे हैं। आसपास में पार्क है, बढ़िया बस्ती बस चुकी है। अगर यहाँ 108 फुट ऊंचे हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित होती है तो फिर यहाँ का दृश्य कुछ और ही होगा। रास्ता है, बाईपास निकला हुआ है, तो ऐसे में जो यहाँ के विधायक हैं उनकी कहीं ना कहीं सराहना है प्रयास की, और इसके साथ तो विधायक अकेले क्रेडिट नहीं लें तो ज़्यादा अच्छा है। चूँकि अशोकनगर वासियों की इच्छा है कि यहाँ पर हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा जो है वो स्थापित हो। चूँकि अशोकनगर में बालाजी सरकार पहले से ही विराजमान है, और ऐसे में अगर एक भव्य मूर्ति बालाजी सरकार की बनके तैयार होती है, कल एक कलश यात्रा में भी एक मूर्ति देखने को मिली, उसी स्वरूप को कहीं यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। बस ऊंचाई में वो 108 फुट के होंगे। तो बागेश्वर धाम सरकार अशोकनगर आए हैं, कथा कर रहे हैं, और यहीं पर वो इन्हीं 7 दिनों की कथा के बीच में जो भी कथा हो रही है इसी के बीच में वो यहाँ पर आएंगे, और मूर्ति स्थापना को लेकर या जो भी यहाँ पर मूर्ति निर्माण को लेकर काम आरंभ होना है उसको आरंभ करते हुए नजर आएंगे। इस प्रकार की प्लानिंग जो कथाकर्ता हैं, कथा कराने वाले हैं, आयोजक समिति है, वो किए हुए हैं, और हम लोग इस समय इस तालाब के आसपास आपको दिखा दें पूरी तरफ कि बहुत शानदार शांत एरिया है और बढ़िया लगता है अशोकनगर में घूमने के लिए। एक बगल में बहुत बड़ा पार्क यहाँ पर है, उस पार्क में बड़ा इन्वेस्टमेंट सरकार द्वारा किया गया, उसके बाद एक भव्यता यहाँ पर पार्क में आई, तो एक अच्छा पार्क धीमे धीमे कई सालों बाद बनके तैयार हुआ है। उसी पार्क के आसपास अगर इस प्रकार का हो जाए, बोट क्लब भी यहाँ पर है, तो बहुत सी चीज़ें हैं पर्यटन की दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी। अशोकनगर कहीं ना कहीं कहें कि इस मूर्ति स्थापना के बाद और कुछ अलग रूप लेता हुआ नजर आएगा। राजनीतिक रूप तो अपने तरीके से अशोकनगर में चर्चाएँ होती रहती हैं, या मुख्यमंत्री नहीं आते हैं जो जीत के आते हैं, वो अशोकनगर में कभी भी रैली नहीं की है। तो ये इतिहास है अशोकनगर का, तार वाले बालाजी जो हैं वो हैं ही। तो बागेश्वर धाम सरकार यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर ही कुछ दिनों में यहाँ पर जो है कार्यक्रम के बीच में आएंगे, और यहाँ मूर्ति स्थापना को लेकर पूजन वूजन जो भी होगा वो होगा। तो एक बड़ी खुशखबरी अशोकनगर वासियों के लिए है, बागेश्वर बालाजी की कृपा से, या कहें कि तार वाले बालाजी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से 108 फुट ऊंची प्रतिमा है, और हमारे बगल में वीरानी में विराजमान है भोले बाबा। हम आप कहेंगे सहयोगी से दिखा दीजिएगा, तो भोले बाबा विराजमान पहले से ही हैं, और इन्हीं का एक रूप बालाजी सरकार भी यहाँ पर बहुत जल्द स्थापित होने वाले हैं। तो आप भी पधारिए अशोकनगर और देखिए अशोकनगर की खूबसूरती। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।